महाराष्ट्र में शनिवार को एनसीपी में कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की ही नियुक्ति की गई है। एनसीपी में हुए इस फेरबदल के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इस बार अजित पवार पर सीधा निशाना साधा है। सामना में अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का खिलाड़ी बताते हुए लिखा गया है कि अजित पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है। ऐसा हमेशा कहा जाता है। सामना ने अपने इस संपादकीय का शीर्षक अब कहां रोटी बेली गई रखा है। सामना ने अजित पवार पर तंज कसते हुए लिखा, अजित पवार बीजेपी के तंबू में जाकर वापस आ गए, ये उन पर दोष है और अजित पवार को ही इस दोष को हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करनी होगी। बीते कुछ दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस के भूगर्भ में असंतोष का लावा उबर रहा था और उसका केंद्रबिंदु अजित पवार के होने की बात मीडिया में कही जा रही थी। सामना ने लिखा, अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में खिलाड़ी हैं और राज्य के बाहर काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। अजित पवार ने स्पष्ट किया कि उनका सुझाव था कि सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। अजित पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनके नेतृत्व वाला गुट बीजेपी के पत्थर पर पैर रखकर खड़ा है, ऐसा हमेशा से कहा जाता रहा है। दो ढाई साल पहले उनका फडणवीस के साथ भोर में शपथ लेने का यह नतीजा है। सामना ने आगे लिखा, अजित पवार बीजेपी के तंबू में जाकर फिर से वापस आ गए, ये उन पर दोष है और अजित पवार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि दोष उनसे दूर हो जाए। राजनीति की विश्वसनीयता इस समय भयानक स्थिति में है। सुबह इस पार्टी में रहने वाला नेता शाम को कहां विलीन हो गया होगा ये कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोग इसे राजनीतिक शतरंज की चाल समझते हैं। हालांकि अब सवाल ये भी उठने लगा कि सुप्रिया सुले रिपोर्ट किसे करेंगे, क्योंकि फिलहाल पार्टी में छगन भुजबल, अजित पवार, जयंत पाटिल, एकनाथ खड़से जैसे वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले अब किसे रिपोर्ट करेंगी, ये सवाल भी सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सवाल का जवाब खुद सुप्रिया सुले ने दिया है। एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पार्टी में उनकी रिपोर्टिंग को लेकर के भाई भतीजावाद और अजित पवार की नाराजगी तक सभी के सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि केंद्र में मैं प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार को रिपोर्ट करूंगी, जबकि राज्य में छगन भुजबल, अजीत दादा और जयंत पाटिल को रिपोर्ट करूंगी। मैं महाराष्ट्र की प्रभारी हूं, इसका मतलब कोई तानाशाही करना नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। सुले ने कहा, हम सेवा करने के लिए आए हैं, ऐसे में रिपोर्टिंग करने का सवाल कहाँ से आ जाता है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सभी की होगी। सुप्रिया सुले ने कहा, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर सभी काम करेंगे। सुप्रिया सुले से ये भी सवाल पूछा गया कि अजित पवार ने आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की पैरवी की। इसका जवाब देते हुए सुले ने कहा, ये बातें आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं आपसे जानकारी लेकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रही हूँ। सुले ने कहा, यह आपको तय करना है कि गिलास आधा खाली है या भरा। आप गॉसिप करना चाहते हैं और हकीकत से दूर रहना चाहते हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ। हमारी पार्टी लॉबिंग से नहीं चलती है, बल्कि चर्चा से चलती है। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो चर्चा के बाद ही होते हैं। सुप्रिया सुले ने इस बात का भी जवाब दिया कि अजित पवार नाराज हैं। उन्होंने कहा, अजित पवार महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता का पद मुख्यमंत्री के बराबर होता है, इसलिए नाराजगी का तो सवाल उठता नहीं है फिलहाल। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।